उत्तराखंड के दो प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों पर अब 1,000 करोड़ की लागत से बनाए जाएंगे रोपवे। दरअसल सरकार ने केदारनाथ के लिए रोपवे का रास्ता बनाने की मंजूरी दे दी है, साथ ही इस परियोजना को राष्ट्रीय वन्य जंतु बोर्ड से भी मंजूरी मिल गई है। बता दें कि परियोजना पर 1,000 करोड़ रुपए का खर्च होने वाला है। वहीं रोपवे बन जाने के बाद राज्य में पर्यटकों की संख्या बढ़ने की भी उम्मीद जताई जा रही है। प्रमुख सचिव वन एवं लोक निर्माण विभाग आरके सुधांशु ने गुरुवार को बताया कि राष्ट्रीय वन्य जंतु बोर्ड ने केदारनाथ सेंचुरी एरिया में रोपवे के निर्माण को स्वीकृति दे दी है। साथ ही केदारनाथ के पैदल ट्रैक व हेमकुंड साहिब रोपवे परियोजना को भी बोर्ड ने हरी झंडी दिखा दी है। इन परियोजनाओं का निर्माण केंद्र सरकार की पर्वतमाला परियोजना के तहत किया जाएगा। इन दोनों परियोजनाओं में कुल 26 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित की जाएगी। केदारनाथ के लिए रोपवे बन जाने के बाद सोनप्रयाग से केदारनाथ की यात्रा महज 30 मिनट में पूरी हो जाएगी। इस रोपवे की क्षमता प्रति घंटा 5,000 यात्रियों को ले जाने की होगी। साथ ही राष्ट्रीय वन्य जंतु बोर्ड ने रामबाड़ा से गरुड़ चट्टी तक 5.5 किलोमीटर पैदल ट्रैक के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। ये मार्ग 2013 की आपदा में पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था।